तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्ते में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के हमने कवरअप कर चुके हैं। आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर आपने इससे पहले चैप्टर नहीं कवरअप करे तो कर लो जाके। आज हम लोग कवरअप करने वाले हैं 7th यूनिट या 7th चैप्टर को फिजिकल एजुकेशन के क्लास 11 के लिए, वो भी 23-24 के स्टूडेंट्स के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, भाई जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है, मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ। साथ में आप लोगों को प्यार से फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ उस चैनल में। फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड मेरा चैनल है जकी सौदागर फिजिक्स, उसको सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। सो दैट अगर मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना है तो वहाँ से आपकी तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल वन शॉट कवरअप कराऊंगा, सो दैट आप लोग को एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो बस आप लोग को ये पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आप लोग को बस एक बार बुक्स अच्छे से रीड कर लेना, सो दैट आप लोग का नॉलेज ट्रिपल चौपल हो जाए। तो आप कहोगे भैया कौन सी बुक ले, किससे पढ़े, अलग अलग लोग अलग अलग रिकमेंड करते, आप बताओ कौन सी अच्छी बुक रहेगी सच में। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, हमेशा से कर रहा हूं यार, ओसवाल गुरुकुल की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है सीबीएसई के लिए और क्लास 11 के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है। इसके अंदर आपको सारे चैप्टर कवरअप करा गया, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। 23-24 के एग्जाम देने वाले वाली बुक ले लेना, बहुत अच्छे तरीके से कलर्ड फॉर्म में सारे डायग्राम्स पूरी की पूरी बुक बनाई गई है। इजीएस्ट लैंग्वेज है, आसानी से आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ढेर सारे क्वेश्चंस गिवन है इसके अंदर। और हाँ, सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके साथ इसके अंदर प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए, प्रैक्टिकल बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक में आपका काम हो जाएगा। तो इस बुक को अपनी साथी बनाए अपनी प्रिपरेशन में, और वन ऑफ द बेस्ट बुक आप लोग के लिए रहेगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग की वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। क्लास 11 के लिए डेडिकेटेड चैप्टर होने वाला। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो 2023-2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है, इसके बाहर हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक और चीज, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक इस साल ऐड किया गया है, तो बेटर है आप लोग नए वीडियोस देखते रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इंस्टा में जरूर फॉलोअप कर लेना मुझे, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, और साथ में अगर आप मेरे साथ लाइव सेशंस पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ अनअकैडमी में पढ़ सकते हो। अनअकैडमी में आप लोग के लिए क्लास 11 के लिए फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज 12 के लिए फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन दोनों पढ़ाता हूं। तो इसके अलावा आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी में भी 25% ऑफ चल रहा है, तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको आप लोग ले सकते हो, बिकॉज ये जो प्लान है July 31st तक एक्सीड हो चुका है और 25% ऑफ मिल जाएगा आपको सब्सक्रिप्शन में, और ये आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेट डील रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए अपने सब्सक्रिप्शन को प्लान करें और अपनी वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो नोट्स डाउनलोड करना है तो वेबसाइट से कर लेना दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो सबसे पहला टॉपिक है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो इसमें भी सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू कट अ पार्ट। सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनाटॉमी क्या होती है, तो एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि जो भी आपके बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताने का ये काम करता है। कि मान लो कि यार आपका हार्ट कहाँ है, किस लोकेशन पे, किस वेट का है ना, तो इन सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन देने का काम ये एनाटॉमी आप लोग को करता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये चीज़ समझ में आए कि जो भी ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं उनका स्ट्रक्चर आप लोग को कैसा है, किस शेप का है, साइज का है, वेट का है, लोकेशन का है, कहाँ पे है, कैसा है, ये सब बताने का ये काम करता है। अब वो जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसके बारे में बताने का काम फिजियोलॉजी करता है। तो फिजियोलॉजी वर्ड जो है ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, एक होता है फिजियो जिसका मतलब होता है नेचर, और दूसरा होता है लॉजी जिसका मतलब स्टडी। अभी जो फिजियोलॉजी है ये क्या है, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो एक्चुअल में ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग के फंक्शनिंग के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करने का काम करता है। क्लियर दोस्तों? तो मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि भैया एक सेकंड, हमारी बॉडी के अंदर तो ढेर सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो कितने होते हैं, लगभग 9 ऑर्गन सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, और वो रहे ये सभी के सभी। आप चाहो तो पॉज करके एक बार रीड कर लो। अब आप बोलोगे भैया क्या ये सारे के सारे सिस्टम पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 4 ऐसे हमें सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस होता है भाई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, तो एक चीज़ याद रखना, अब अगर आप लोग को किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन को और ज़्यादा बेटर बनाना है और उसके अंदर ग्रूमिंग करना है, तो उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को समझ के आप लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर ट्रेनिंग दे सकते हो, स्पोर्ट्स की इंजरीज से उसको बचवा सकते हो। इसके अलावा ना मेल और फीमेल के बीच के डिफरेंसेस को समझाने का काम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी करता है।
इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर मान लो फैटीग आ गया, आपको मसाज करवाना है, तो अगर आप लोग को प्रॉपर नॉलेज है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, तो आप लोग उसके क्रैम्प को जल्द से जल्द रिलीफ दे सकते हो। तो ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है पॉज करके एक बार जरूर इसको रीड करें। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी का हड्डी का ढांचा, मैं कह सकता हूँ फ्रेमवर्क ऑफ दी बॉडी, जिसमें कि आप लोग की लार्ज लार्ज और स्मॉल स्मॉल, या मैं कह सकता हूँ सारी हड्डियाँ होती है, क्लियर भाई? इसे हम लोग कहते हैं स्केलेटल। अब ये जो स्केलेटन है इसमें आप लोग को लगभग 206 बोन्स देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको टेंडन्स, लिगामेंट और कार्टिलेज देखने को मिलेंगे। ये सभी मिलकर बनाते हैं क्या? स्केलेटल सिस्टम, क्लियर है भाई लोग? इसी के साथ साथ याद रखना, स्केलेटल सिस्टम जो है मेनली दो तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला आप लोग को देखने को मिलेगा एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो देखो इस तरीके से, ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब क्या? देखो ब्लू कलर में जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। एक्सियल वाला जो है येलो कलर से आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसको याद रखना जरूरी रहेगा। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा स्कल, जिसमें आप लोग को 26 बोन्स देखने को मिलेंगी, स्ट्रेनम में 8, रिब में 24, हियोट बोन के अंदर आप लोग को 1 देखने को मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 देखने को मिलेगा। तो ये सभी के सभी एक्सियल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अपेंडिकुलर की बात करें तो जो लॉन्ग लॉन्ग लिम्स है ना, चाहे अपर हो या लोअर, वो इसके अंदर आपको कंसिडर किए जाते हैं। तो अपर के अंदर 64 और लोअर के अंदर 62 बोन्स आप लोग को देखने को मिलती है। ये एग्जैक्ट फिगर याद करके जाना जरूरी है। अगर आप चाहो तो ऐसा वाला डायग्राम अगर आपको अच्छे से बनाना आता है तो बना देना, एग्जामिनर की तो फट जाएगी कि यार क्या बना दिया, पूरा नंबर देना पड़ेगा इसको। तो अब आप बोलोगे स्केलेटल सिस्टम पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या फंक्शन करता है? तो भाई आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? आपका जो लंग्स है वो रिबकेज से बचा हुआ है, हाँ है ना? इसी के साथ साथ आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है। अगर हड्डियाँ ही नहीं होती तो हम सांप की तरह रेंगते रहते हैं। आपकी बॉडी में मूवमेंट कराने का काम, मतलब चाहो आप दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, भाग रहे हो, सारे टाइप के मूवमेंट आपकी बोन्स करवाती है मेनली। और आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो इसके थ्रू होता है। और यार देखो, हड्डियों के अंदर मिनरल्स की भरमार होती है, ठीक है दोस्तों? तो मिनरल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी के साथ साथ देखो, मसल्स जो है वो किससे अटैच रहती होगी? किसी से तो रहती होगी ना। तो आपकी बॉडी के अंदर बोन से मसल्स अटैच रहती है। ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि कितने टाइप के आपको बोन्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहली होती है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स मतलब ऐसी बोन्स जो कि लंबी लंबी है। आप देख रहे होंगे कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स में आप लोग को लंबी लंबी बोन्स देखने को मिलेगी, और यही ना एक ग्रेट मूवमेंट आप लोग की बॉडी के अंदर करवाती है। इसके अलावा अगला होता है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन जो है ना क्यूब शेप की होती है, जिसमें कि उसका लेंथ, विड्थ, थिकनेस जो है वो सभी के सभी बराबर होता है। इसी के साथ साथ ये जो बोन्स रहती है ये स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपको। इसके अलावा फ्लैट बोन होती है, जो कि थिन होती है, बहुत ज़्यादा फ्लैटन टाइप की होगी और हल्की सी कर्वी टाइप की रहेगी। इनका जो सरफेस है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, इस वजह से ना मसल्स का अटैचमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, और साथ में आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट रखती है। अगली होती है सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन है ना बहुत छोटू सी पिद्दू सी देखने को मिलती है, सिस्मन सीड्स की तरह। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक चीज़ समझना, ये फोटो दिख रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ यहाँ कहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे भी आपको फोटो दिख रही है तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ साथ दोस्त एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे ना हाई प्रेशर जॉइंट्स के बीच में जनरेट होता है, वहाँ पे ये प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मेनली आप लोगों को ये फिट हैंड और नीज के आसपास में देखने को मिलती है। इसके बाद आप लोगों को मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, इसके थ्रू भी आप लोग हो सके तो बोन्स के स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझ सकते हो कि एवरेज बोन लगभग 206 होती है। छोटे बच्चों के अंदर कितनी बोन्स होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, एग्जैक्ट फिगर बताना जरा, गूगल ही कर लो, इसी बहाने थोड़ा पढ़ाई हो जाएगी। अगली चीज़, लॉन्ग बोन्स कितनी होती है? 90, शॉर्ट बोन्स 28, फ्लैटन बोन होती है आप लोगों की 36, और सिस्मॉइड बोन होती है 4, और इररेगुलर बोन्स होती है 48, क्लियर भाई? अगली बात करते हैं कैसी कैसी दिखती है। तो देखो ये है लॉन्ग बोन्स, ये है आपकी फ्लैटन बोन जो आपको यहाँ पे एकदम सामने रहती है ना, यहाँ पे इररेगुलर बोन्स आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगी वर्टिब्रा के आसपास, और शॉर्ट बोन आप लोग को देखो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, क्लियर भाई लोग? अब अगला टॉपिक है आप लोग का कि जॉइंट्स क्या होते हैं। तो जॉइंट्स ना आपकी दो बोन्स को जोड़ने का काम करती है। मान लो एक बोन ही है, एक बोन ही है, अब ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वो जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। तो जॉइंट में आप लोग देखोगे कि टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं कह सकता हूँ जॉइंट एक किस्म का जंक्शन पॉइंट है दो बोन्स के बीच का, या दो से ज्यादा बोन्स के बीच का। याद रखना आपकी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स वगैरह पॉसिबल हो पा रहे, चल रहे हो, कूद रहे हो, इधर से उधर हो रहे हो, देखो बोन्स तो काम कर रही है, लेकिन बोन्स अगर जॉइंट नहीं रहेगी तो कभी मैकेनिज्म आपका वॉकिंग का हो भी पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इस वजह से जॉइंट्स पढ़ना जरूरी है। अब जॉइंट्स कितने टाइप की होती है? अलग अलग वे में होती है। जैसे
इमूवेबल ज्वाइंट या फाइब्रस ज्वाइंट, ऐसे टाइप की ज्वाइंट जो कि फिक्स्ड है, ठीक है ना, जिसका मूवमेंट नहीं हो पाता है। अगला होता है स्लाइडली मूवेबल, जो हल्की फुल्की मूवेबल होती है, जैसे आप लोग वर्टिब्रा के आसपास देखने को मिलेगा। अगला होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जिसको हम लोग, तो अगला होता है फ्री मूवेबल ज्वाइंट, नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें कि आप लोग को फुल रेंज ऑफ मोशन देखने को मिल पाता है, ऐसे टाइप के ज्वाइंट्स आप लोग के ये कहलाते हैं। इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स के आप लोग को ज्वाइंट होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि आपको शोल्डर और हिप के रीजन के आसपास देखने को मिलेगा। एक होता है हिंज ज्वाइंट, जो कि आपको एल्बो में देखने को मिलता है। एक होता है पिवट ज्वाइंट, जो कि आप लोग को नेक के पोर्शन में देखने को मिलता है। और अगला होता है कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो कि आपको थंब के ज्वाइंट के बीच में देखने को मिलेगा। इसके बाद होता है सिस्मोइड ज्वाइंट, जो आप लोग को देखो यहां देखने को मिलेगा, दिख रहा है आपको फुट, ये जो रेड कलर का देखने को मिल रहा है, ये सिस्मोइड ज्वाइंट है। क्लियर भाई? तो यहां से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है भाई? बॉडी के अंदर आप लोग जानते होंगे, जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन के थ्रू हो रही है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और याद होगा आप लोग को कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी आपकी बॉडी का बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रोसेस में ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस होते हुए आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब दो टाइप के आपके यहाँ पे रेस्पिरेशन सिस्टम होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें कि इनहेलेशन एक्सेलरेशन, जिसमें होता क्या है कि आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को, और जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, और फिर आप एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसे आप डिफ्यूज कर पाते हो ब्लड से। इसके बाद होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि आप लोग को टिश्यूज और सेल्स के बीच में रेस्पिरेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग यार रेस्पिरेशन के लिए डायग्राम बना सकते हो, बचपन में 500 बार बनाए होंगे, इसमें थोड़ा बहुत आप लोग नाम हम याद रख लेना, सो दैट एक अच्छा डायग्राम बन जाए। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसा होता है आप लोग को पता होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब जो है वो ऐसी ऐसी होती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, आपके जो लंग्स है उसके अंदर में एक लो प्रेशर डेवलप होता है, जिस वजह से आप इनहेल कर पाते हो ऑक्सीजन को। जब ब्रीथ आउट करते हो तो उस टाइम पे क्या प्रोसेस देखने को मिलती है, जो रिब्स हो गए, डायफ्राम हो गया, ये वापस से रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, जैसे नॉर्मल रहते वैसे। इस वजह से क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर में ना मेनली हाई प्रेशर डेवलप होता है, जिस वजह से आप ब्रीथ आउट इजिली कर पाते। ये था पूरा का पूरा मैकेनिज्म, आई होप क्लियर होगा। अगला टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम, मतलब मसल्स के बारे में हम लोग जानने वाले। तो मसल्स क्या होती भाई? तो मसल्स ना सॉफ्ट टिश्यूज आप लोग की बॉडी में देखने को मिलेंगे, जो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। अगर वो नहीं रहे तो भाई आप हड्डी के ढांचे की तरह दिखोगे। आपकी बॉडी के अंदर ढेर सारे फाइब्रस मसल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आप लोग से बात करूं मोटे मोटे तौर पे, तो 600 मसल्स आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और मेनली अगर इसको क्लासिफाई किया जाए तो तीन तरीके से हो सकता है, एक स्केलेटल मसल्स, एक होता है स्मूथ मसल, और एक होता है कार्डियक मसल। और याद रखना, आपका जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है और स्केलेटल मसल से, ये तीनों साथ में काम करते हैं, जिसके वजह से हम इसको कलेक्टिवली कहते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। अब आप बोलोगे भाई ये कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ मसल्स कहां कहां होती है, तो देखो कार्डियक मसल्स मतलब जो आपके हार्ट की मसल्स है, स्केलेटल मसल्स मतलब जैसे आपकी बाइसेप हो गई, ट्राइसेप्ट हो गई, या आपकी थाइस की मसल हो गई। स्मूथ मसल्स मतलब जो आपके ऑर्गन जिससे बने रहते हैं वो, लाइक आपका जो एब्डोमिनल है वो, इसी मसल से बना हुआ है। अब यार मसल्स के क्या फंक्शन होते हैं भाई, तो याद रखना अगर मसल्स नहीं होंगी तो सही तरीके से मूवमेंट आप लोग नहीं कर पाओगे। हाँ आप बोलोगे भैया स्केलेटल सिस्टम में भी यही बोले, अरे हाँ भाई, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में हड्डी और आपकी जो मांस है, आपकी जो बॉडी के अंदर मसल्स है, दोनों साथ में मूवमेंट करवाते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ चबा रहे हो, किसी भी चीज को लिफ्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे मसल की पावर ही लगती है। इसके अलावा यार आपकी बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करके रखने का काम भी मसल करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन आप लोग देखने को मिल रहा है, इनहेल एक्सहेल का, ये सब मसल्स की वजह से हो रहा है लंग्स के अंदर की। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट होती है ना, बहुत गर्म लग रहा है भैया, पसीना पसीना हो गए, वो सब के सब मसल्स की वजह से आप लोग को देखने को मिलेगा। आप अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों के साथ ऐसे ऐसे करके कि अरे भाई मैं तो ये बोल रहा था, जैसे मैंने अभी बोला, तो ये मसल्स की मूवमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया। आपकी बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स वगैरह मसल से बनती हैं, और जो आप लोग का हार्ट है पूरी तरीके से जो पंपिंग डिपेंड करती है वो मसल्स पे करती है। आप देखते होंगे जो हार्ट है वो पंपिंग कर पा रहा है उसकी मसल्स की हेल्प से ही। तो अगला टॉपिक है आप लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले एक्साइटेबिलिटी क्या चीज होती है, कैसी प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अ स्टिमुलस व्हिच मे बी डिलीवर फ्रॉम अ मोटर न्यूरॉन्स और हार्मोन्स। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपको किसी ने चिमटी लगा दी कुछ एकदम से, तो आप स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करते हो ना, तो ऐसी मसल्स भी रिस्पॉन्ड करती है। अब यार मैं कहूंगी किसी को गलती से आपने ऐसा शॉर्ट सर्किट लगाते तो एकदम घबरा जाता ना, चौंक जाता है। ये सब क्या हुआ, ये सब स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड आप दे रहे हो, इसे कहलाते हैं एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब ये क्या चीज है भाई, इसका मतलब ये कि मान लो मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाया, इसमें क्या हुआ मेरी मसल शॉर्टनड हुई, तो इस टाइम पे आप लोग ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, पुलिंग फोर्सेस लगाते टाइम आपकी मसल्स यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट होता है आप लोग का एक्सटेंसिबिलिटी। ये एक ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी जिसमें कि मसल्स जो है स्ट्रेच बैक हो रही है टू इट्स
इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और लास्ट में आप लोग को देखने को मिलता है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी को अगर तुम्हें समझना है तो जैसे आप लोगों ने स्ट्रेच करे थे एकदम से, ठीक है ना, और उसके बाद वापस से आपने नॉर्मली रिलीज कर दी जैसे रहती, तो वो कहलाता है इलास्टिसिटी। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए आप लोग को एक एग्जांपल दिया गया है, जिसमें आप लोग देखो मसल्स अभी यहाँ पे नॉर्मल है, आपने कॉन्ट्रैक्ट करे मतलब देखो स्क्वीज हो गई मसल। एक्सटेंसिबिलिटी में मतलब एकदम से नर्वस इंपल्स पड़ा, कोई मास तो आपने बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स हुई। इसके बाद क्या आता है एक्सटेंसिबिलिटी, जिसमें कि आपकी जो मसल है वो स्ट्रेच बैक हो रही है टूवर्ड दी ओरिजिनल लेंथ। और इलास्टिसिटी क्या होती है कि जहां आप लोगों ने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करे थे वापस से नॉर्मल कर दिया और कुछ नहीं, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट थी हाँ तो वापस से नॉर्मल कर दिए तो इलास्टिसिटी हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एग्जाम में पूछी जा सकती बननी चाहिए। लास्ट टॉपिक आप लोग का होता है सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम मेनली यार डील करता है किससे, हार्ट वार्ट किस तरीके से पंप करेगा ब्लड व्लड को, इन सब चीजों से, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, जहां पे किस तरीके से ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है बॉडी के अंदर। और याद रखना ब्लड हमेशा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी के अंदर, मतलब कैसे जो भी न्यूट्रिशन आप मतलब जो खाना खाते हो ना आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते एक जगह से दूसरी जगह। तो जो भी न्यूट्रिशन का ट्रांसफर हो रहा है ब्लड के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर लेकर आने का काम, ये सभी के सभी चीजें आप लोग को यहाँ पे ब्लड ही करते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनल प्रोसेस हो गई, ब्लड के सेल्स वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, ये सब ब्लड के थ्रू होते हुए देखने को मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ बेसिक वे में कि यार जो ब्लड वेसल्स है एक किस्म से ना डिलीवरी सर्विस की तरह काम करती है, जिसमें कि ब्लड एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और अगर आपकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव भी करता है। अब आप बोलोगे भैया सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखना ये दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्किट, दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्किट। तो इस सर्किट के अंदर ना आप लोग का जो ब्लड का एक्सचेंज है वो हार्ट और लंग्स के बीच में देखने को मिलता है फॉर ऑक्सीनाइजेशन। सिस्टमैटिक सर्किट के अंदर याद रखना यहाँ पे जो ब्लड है थ्रू आउट द बॉडी में घूमते हुए देखने को मिलेगा और साथ ही साथ टिश्यूज के अंदर, देखो एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से पल्मोनरी देखो लंग्स और हार्ट के आसपास और फिर देखो पूरे बॉडी तक के जो घूम रहा है खून वो क्या है सर्किट सिस्टमैटिक सर्किट। अब आइए जानते हैं कि यार कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमको देखना है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सबसे पहला होता है हार्ट। हार्ट किस टाइप का होता है, तो भैया होलो मस्कुलर कोन शेप का आपको देखने को मिलता है, बिना इसके हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पंपिंग नहीं होगी ब्लड की। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कोर मैं कह सकता हूँ कि कॉम्पोनेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। हार्ट जो है आप लोग का यार रिब्स के अंदर में आप लोग को देखने को मिलता है हल्के से लेफ्ट साइड की तरफ और ये इंक्लाइंड रहता है टूवर्ड दी लेफ्ट। याद रखना इसका वजन जो है लगभग 300 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलता है और जो दिल है 15,200 बार धड़कता है वो बात अलग है, 100 बार और किसी के लिए धड़क रहा है। तो हार्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके मेन चीज आप लोग देख लो, इसे कहते हैं राइट वेंट्रियम, इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं हार्ट के, तो याद रखना जो आउटर लेयर रहती है हार्ट की उसको हम लोग कहते हैं पेरिकेट्रियम और इस लेयर के अंदर जो हार्ट की मसल्स रहती है उसे कहते हैं मायोकार्डियम। हार्ट जो है एक्चुअल में दो पार्ट में, दो साइड्स में डिवाइड आपको देखने को मिलता है बाय सेप्टम। ईच साइड में आप लोग को ये भी दो हिस्से में डिवाइड होते हैं, मतलब दो दो चैम्बर्स में। अपर चैम्बर को कहते हैं एट्रियम या फिर एट्रिकल, लोअर चैम्बर्स को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। अब अगर मैं हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने अभी कहा चार चैम्बर आप लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है राइट एट्रियम, तो ये ना रिसीव करता है ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग को देखने को मिलता है, ये आप लोग को वेन से होते हुए आप लोग के पास आता है। इसके पास जो ब्लड आता है उसके पास है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये वेन्स के थ्रू इसके पास आता है। इसके बाद जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल के पास चला जाता है। ये राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, ये रिसीव करता है ब्लड कहां से, राइट एट्रियम से, और पंप कर देता है टू दी लंग्स। और जैसे ही लंग्स के पास ऐसा ब्लड जाता है जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको रिलीज कर देता है और लंग्स वापस से उसको ऑक्सीजन से लोडेड कर देता है। और फिर ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनाइज्ड ब्लड, ये कहां से आया था, लंग्स के थ्रू आया था, और फिर ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है पूरे के पूरे हार्ट का और ये पंप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी में। और यहीं पे आप लोगों को ना सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है मैं कह सकता हूं हार्ट की मसल्स के बीच में, जिसको हम लोग आज के टाइम पे यार ब्लड प्रेशर वगैरह कहते हैं, तो यहीं पे डेवलप होता है। तो पूरी कहानी समझ में आई। इसके बाद अगली बात करूं तो ब्लड वेसल्स, ये एक ऐसे टाइप के पैसेजेस होते हैं जहां से ना ब्लड पास आउट हो पाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो अगर आप लोग को हार्ट से आपकी पूरी बॉडी तक के ब्लड पहुंचाना या पूरी की पूरी बॉडी से आपके हार्ट तक के पहुंचाना है तो ब्लड वेसल ही काम करती है इसके लिए। अब ब्लड वेसल के अंदर दो मेन चीज देखने को मिलती है, पहला होता है आर्टरीज जो कैरी करती है ऐसा ब्लड जो कि हार्ट की तरफ से उससे मिल रहा है। और मैं कह सकता हूं बेसिक वे में कि यार जो हमारी यहां पे आर्टरीज है इसके पास ऑक्सीजन वाला ब्लड है। इसके बाद अगला होता है वेन्स, तो वेन्स एक ऐसे टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं जो कैरी करता है गंदा वाला खून और ये लेकर जाता है वापस
वहां से हार्ट के पास। एक चीज याद रखना, वेन्स जो है ना ये ज्यादा थिनर रहती है, ज्यादा इलास्टिक रहती है और लेस मस्कुलर आप लोग को देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू आर्टरीज के। और कई बार तो ये कोलैप्स भी हो जाती है जब ब्लड यहाँ से आप लोग को पास आउट होते हुए नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और ब्लड वेसल होती है जिसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज ना बहुत छोटे से थिनेस्ट कॉमन टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। इसके बाद अगला होता है ब्लड। ब्लड क्या है भाई, एक स्पेशल फॉर्म का बॉडी का फ्लूइड जो एक्चुअल में बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को चला रहा है, जो न्यूट्रिशन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। भाई क्या ही बताऊं इसके बारे में। अगला होता है फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट है कि यार सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शंस होते हैं। भाई यार ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन भाई, दिल्ली से नागपुर जाने का? वो नहीं भाई, आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपने खाया उससे जो न्यूट्रिशन मिला, वो न्यूट्रिशन को बॉडी के हर कोने कोने तक ले जाने का काम ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में ये करता है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड को हर कोने कोने तक बॉडी के लेकर जाता है, उसके थ्रू उनको एनर्जी मिलती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको भी वापस से लंग्स की तरफ ले जाने का काम ये करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजीएस पर्सन। इसके अलावा जो हार्मोन्स रहते हैं वो सब भी इसी से ट्रेवल करते हैं। अगली बात बताऊं तो सर्कुलेटरी सिस्टम ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीजेस से। इसके अलावा ये रेगुलेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स वगैरह है ये ना मेंटेन करके रखते हैं आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, सो दैट जो ब्लड का फ्लो है ये नॉर्मल वे में हो सके। और आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग के वीडियोस के रिव्यूज देखने में। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे फॉलोअप कर सकते हैं अकेडमी में और इंस्टा पे और साथ में टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना क्लास की सारी अपडेट्स के लिए। तो चलिए भाई एंड करते हैं आज इस वीडियो को। होप से वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे और बेस्ट ऑफ लक सभी लोग को एग्जाम के लिए।